Hello, my dear students, how are you all? Today we are going to do the poem of 10th standard. This is a ballad of Sir Pratap Singh and it is written by Sir Henry Newbolt. So it's an interesting poem. Just listen it carefully. In the first year of him that first was emperor and the king, a rider came to Red Rose House, the house of Pratap Singh. अभी उसको किंग बने सिर्फ एक साल ही हुआ था कि एक घोड़े पर सवार होकर एक जो सिपाही था उसके रेड रोज रेड हाउस में एंटर हुआ. यंग ही वॉज एंड एन इंग्लिश मैन एंड अ शोल्डर हिल्ट एंड हील एंड ही स्ट्रक फायर इन प्रताप्स हार्ट एज द स्टील स्ट्राइक्स ऑन स्टील. As Pratap Singh saw that shoulder, there was a fire. जैसे ही उसने उस shoulder को देखा तो उसके अंदर एक जैसे ज्वाला भड़की, क्योंकि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से एक वो पूरी सिर से लेकर पाम तक वो एक पूरा सही सिपाही लग रहा था. Beneath the morning stars they rode, beneath the evening sun, and their blood sang to them as they rode, that all good wars are won. अब वो सुबह सुबह सैर के लिए चले जाते, घुड़सवारी करते और सूरज डूबने तक वो अपनी घुड़सवारी करते रहते, खूब बातें करते और खूब संगीत वगैरह सुनते, और उन्होंने यही कंक्लूड किया कि फाइनली हर तरह की जो युद्ध है, जो वार है, दे आर हैविंग द सेम कॉन्सिक्वेंसेस. उन सब के रिजल्ट जो होते हैं हमेशा सेम ही होते. They told their tales of love of women, their tales of east and west, but their blood sang that of all their loves, they loved the shoulder best. अब वो एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते, they shared their experience with each other regarding their love affairs, their wars and another countries. But finally what they decided, लेकिन finally उन्होंने यही decide किया कि सबसे ज़्यादा प्यार उनको एज ए सैनिक ही हुआ है. सो रैन देयर जॉय द अलॉटेड डेज टिल द लास्ट डेज एंड द शैडोज फिल्ड द रेड रोज हाउस एंड द हार्ट्स ऑफ प्रताप्स फ्रेंड. नाउ इन दिस वे द डेज वर जस्ट पासिंग. वो बहुत खुशी से अपने दिन गुजार रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन क्या हुआ कि मौत का साया आया और उसके जो फ्रेंड को था, प्रताप सिंह का जो फ्रेंड था इंग्लिश मैन, उसको वो ले गया. When morning came in narrow chest, the soldier's face they hid, and over his fast dreaming eyes shut down the narrow lid. अब जब सुबह हुई तो एक कॉफिन में उसकी बॉडी को ढक दिया गया, उसके जो जिस आंखों में बहुत सारे इनके जो डीप सपने थे, फास्ट ड्रीम्स थे, वो सब उस कॉफिन के ढक्कन के साथ वहीं बंद हो गए. थ्री वर देयर ऑफ द रेस एंड क्रीड, थ्री ओनली एंड नो मोर, दे कुड नॉट फाइंड टू बियर द डेड अ फोर्थ इन ऑल जोधपुर. नाउ यू नो दैट इफ टू कैरी द बायर ऑफ समबडी वी नीड फोर शोल्डर्स, है ना. किसी की अर्थी को उठाने के लिए चार कंधे ज़रूरी हैं, एंड दे गॉट ओनली थ्री इन दैट कंट्री. उनको उस देश में सिर्फ तीन ही लोग मिले, जो चौथा था जोधपुर में वो मिसिंग था. ओ महाराज ऑफ योर गुड ग्रेस, सेंड अस द स्वीपर हियर, अ स्वीपर हैज़ नो कास्ट टू लूज इवन बाय एन एलियंस बेयर बायर. उन्होंने कहा कि महाराज आपकी बहुत ही कृपा होगी अगर आप स्वीपर को हमारे साथ भेज दें, क्योंकि जो स्वीपर होता है उसकी कोई कास्ट नहीं होती, और जो एक एलियन है, एक जो विदेशी है, उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए हमें वो इंसान चाहिए जो कि किसी भी जात का ना हो, क्योंकि ये कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली उनकी जात के लोग ही उनको कंधा दे पाते हैं. व्हाट नीड, व्हाट नीड, सेड प्रताप सिंह एंड बोर्ड हिज प्रिंसली हेड, आई हैव नो कास्ट फॉर माई सेल्फ एंड बियरिंग फोर्थ द डेड. उसने कहा क्या जरूरत है, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की. ये कहते हुए उसने अपना सिर जो था, अपना शाही सिर जो था, वो नीचे झुकाया, प्रिंसली हेड,
उसने कहा कि मेरी तो कोई जात नहीं है, मैं खुद इस बॉडी को कंधा दूंगा। ओ महाराज, ओ पैशनेट हार्ट, बी वाइज, बी थिंक येट यू येट दैट विच यू लूज टूडे इज लॉस्ट टिल द लास्ट सन शैल सेट। उन्होंने कहा, महाराज ओ दया के सागर, कम से कम अपनी बुद्धि से तो काम लीजिए, क्योंकि आज आप थोड़ा सोच के जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो लीजिए, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आज वो गवा दोगे जो कि सूर्य डूबने तक आपको जो आपका जो स्टेटस है वो आप इसको खो दोगे। गॉड ओनली नोज, सेड प्रताप सिंह, दैट विच आई लॉस्ट टुडे एंड विदाउट मी नो हैंड ऑफ मैन शैल बियर माई फ्रेंड अवे। प्रताप सिंह कहते हैं कि ये तो मेरा भगवान ही जानता है कि आज मैंने क्या खो दिया है, आज मेरा कितना बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि मेरा मेरे जो कोई भी जो है वो मेरे मित्र की, मेरे फ्रेंड की, फास्ट फ्रेंड की बॉडी, डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा। स्टेटली एंड स्लो द शोल्डर हाई इन द साइट ऑफ ऑल जोधपुर द डेड वेंट डाउन बाय द रेड रोज स्टेप्स अपहेल्ड बाय द बेयरर फोर्ट। अब पूरे जोधपुर की उस जो सिटी की जो नज़रें थी उस शाही ढंग से जो हो धीरे धीरे जो अपने कंधे पर एक राजा उसकी मृतक की जो देख को था उस उठाए था और वो रेड रोज जो महल था उसकी सीढ़ियों से वो नीचे आ रहा था, तो सब लोग इस चीज़ को देख रहे थे। वेन डॉन री लिट द लैम्प ऑफ ग्रीफ विदिन द बर्निंग ईस्ट देयर केम द वर्ड टू प्रताप सिंह द सॉफ्ट वर्ड ऑफ प्रेज। नाउ द नेक्स्ट डे वेन द सन राइज What happened? Priest, they appeared there and he was standing there in a very kind manner. तो priest जो थे वो अगले दिन महाराजा के महल में आए, वो बहुत निम्रतापूर्वक उन्होंने ये संदेश दिया। He woke and even as he woke, he went forth all in white and saw the Brahmins going there in a hard morning light. Now the king, he was in a deep grief. वो बहुत दुख में था, तो वो बाहर आया और उसने बिल्कुल प्योर वाइट कपड़े पहने हुए थे। And what did he see? उसने क्या देखा कि all the Brahmins, they were standing before him with their bowing heads. कि उसके सामने हाथ जोड़कर से झुकाकर खड़े हैं। Alas, O Maharaj, alas, O noble Pratap Singh, for here in Jodhpur yesterday, befell a fearful thing. उन्होंने कहा, अफसोस, बहुत ही अफसोस की बात है महाराज, कि एक सज्जन आत्मा वाले जो महाराजा प्रताप सिंह थे, कल जोधपुर में एक बहुत ही भयानक घटना जो है वो हो गई है। A very sadful event has happened just yesterday. Oh, here in Jodhpur yesterday, a fearful thing befell. A fearful thing, said Pratap Singh, God and my heart know where. उसने कहा, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कल बहुत ही एक भयंकर या भयानक घटना जो है वो घटी है, और इससे ज़्यादा भयानक क्या हो सकती है, ये सिर्फ मेरा भगवान और मेरा दिल ही जानते हैं। क्योंकि जो उनके जो ब्राह्मण्स हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कल राजा ने अपना राजपाट खो दिया है, अपनी कास्ट खो दी, अपना स्टेटस खो दिया है, लेकिन यहाँ पे किंग कह रहे हैं कि मैंने कल अपना एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंड जो कि सैनिक था उसको खो दिया। आई लॉस्ट अ फ्रेंड मोर फियरफुल येट इन द साइट ऑफ ऑल जोधपुर यू लॉस्ट। ओ महाराज, योर कास्ट, मैं एक मित्र को खो चुका हूँ और इससे ज़्यादा भयानक बात तो हो ही नहीं सकती। जबकि सब देख रहे थे, जब ये उसकी डेड बॉडी को नीचे लेके आ रहे थे, तो कहते जैसे जैसे राजा उस पौड़ियों से नीचे उतर रहे थे, वैसे वैसे वो अपनी जो जात, अपनी कास्ट थी उसको खो रहे थे। देन लेट द लाइट इन प्रताप्स आइज एज द फ्लेम लीप्स इन स्मोक दाउ प्रीस्ट दाई सोल हैथ नेवर नोन द वर्ड दाई लिप्स हैव स्पोक। तो As he heard these all things, जैसे ही राजा ने ये बातें सुनी ना,
तो कि उसको बहुत गुस्सा आया, उनकी आंखों में से आग जो थी वो ऐसे जैसे उनकी आंखें आग के समान लाल हो गई। और उनने कहा, ओ पुजारी, आपको ये जो आपको तो इस शब्दों के अर्थ भी नहीं पता जो आप बोलने जा रहे हो। तो आप कह रहे हो कि मैंने कास्ट गुम कर दी है। कास्ट क्या चीज़ है? कास्ट तो हम लोगों की बनी हुई है। मैंने अपना एक बहुत बढ़िया जो फ्रेंड था उसका मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। माई कास्ट? नो, यू देयर इज अ कास्ट अबव माई कास्ट और दाइन। ब्राह्मण एंड राजपूत आर बट जस्ट टू दैट इमॉर्टल लाइन। मैंने कहा, तुम मेरी जात के बारे में, मेरी कास्ट के बारे में बात करते हो? तुम्हें क्या पता है कि जो जात है, जो मेरी जात है, इन सबसे ऊंची है? क्योंकि मैं उस जाति के बारे में बात कर रहा हूँ जो किसी भी ब्राह्मण या राजपूत से, ये तो सिर्फ धूल के समान है कि हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जितनी मर्जी हमारी हाई कास्ट हो जाए, लेकिन फाइनली वी आर गोइंग टू मिक्स इन द डस्ट। जैसे आपने अपनी प्रीवियस पोएम दैट द लेवल ऑफ में किया है ना, कि पॉपर और किंग बोथ आर मिक्स्ड इन द डस्ट। तो यहीं पे वही बात दोबारा उन्होंने बोली है कि ब्राह्मण और राजपूत ये सिर्फ क्या है, कण है, मिट्टी है, और ये मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जात जो है वो इंसानियत की वो सबसे ऊपर है। वाइट एज द वर्ल्ड, फ्री एज द एयर, प्योर एज द पूल ऑफ डेथ, द कास्ट ऑफ ऑल अर्थ्स नोबल हार्ट्स इज राइट शोल्डर्स फेथ। उन्होंने कहा कि एक जो सच्चे सैनिक की जो जाति होती है वो इतनी विशाल, इतनी ब्रॉड है कि जैसी पूरी दुनिया, वो इतनी फ्री है, इतनी लिबरल है जैसे कि हवा, और वो उस डेथ के बहुत बड़े पॉन्ड में इस तरह से वो इतना पवित्र सरोवर है कि जिसे पूरी धरती के जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे जेंटलमैन हैं, उनकी जाति से ये बढ़िया है। Hope you have understood it. So I will be back very soon with the textual question answers of this poem. Till then, it's a time to say bye bye.